खबर जयपुर से है, जहां एयरपोर्ट पर विदेशी मूल की महिला नजरबंद की गई है। बताया जा रहा है कि ये आज सुबह कन्या मूल की महिला के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। नजरबंद दुबई से जयपुर पहुंची थी और ये महिला के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर नोटिस। नोटिस के खिलाफ महिला को नहीं मिला भारत में प्रवेश। तो बता दें कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने महिला को किया डिटेन। अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर महिला को किया डिटेन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज ही महिला को भेजा जाना था वापस दुबई, लेकिन अब कल वापस भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से एक महिला यात्री को डिटेन किया गया है। केन्या देश की ये रहने वाली महिला बताई जा रही है। जयपुर की ये महिला जयपुर में पकड़ी गई है। बता दें कि जयपुर में विदेशी महिला को नजरबंद किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब किसी कारण वजह से उसे आज भेजना था, लेकिन अब उसे कल भेजा जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशी मूल की महिला को नजरबंद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने महिला को डिटेन किया है। तो एयरपोर्ट पर महिला को डिटेन किया गया है। केन्या मूल की महिला को नजरबंद किया गया है। एयरपोर्ट पर विदेशी महिला को डिटेन किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, खबर ये सामने आई है कि एक विदेशी महिला को जयपुर एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, जो कन्या मूल की जो महिला यात्री थी, वो जयपुर 5:30 जब इमिग्रेशन के दौरान अधिकारियों ने उसकी जांच की तो पता चला कि उस महिला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया जा चुका था। और ऐसे में वो भारत में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक तरह से कहें कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उस महिला को डिटेन कर लिया जी। और उससे पूछताछ, लेकिन आज जब महिला को वापस दोपहर की फ्लाइट से वापस उसको भेजा जाना था, लेकिन वापस वो उसकी वजह से कहीं ना कहीं गेट कंटर फ्लाइट भी लेट की गई थी, लेकिन ऐसे कारण की वजह से दुबई वापस नहीं भेजा गया। लेकिन अब कल महिला को वापस डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन किस मामले में ये नोटिस जारी किया जा चुका था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। विशाल, क्या वहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद किसी कर्मचारी या संबंधित विभाग के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई क्या इस मुद्दे को लेकर? देखिए, इमिग्रेशन के दौरान जो भी वहाँ पर अधिकारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो विदेश से लोग आते हैं, यात्री आते हैं, उनसे पूरी उनकी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही उनको एंट्री दी जाती है जी। और जब वो महिला पर संदेह हुआ कि उनसे जानकारी जुटाने से होगी, तो कहीं ना कहीं भी प्रकट होगी और ठीक से स्पष्ट तरीके से वो जवाब नहीं दे पाई सवालों का, जिसके चलते उस पद तक गहरा गया। और उसके बाद उसकी पूरे दस्तावेजों की जाँच हुई, तो कहीं ना कहीं उस संदेह होने के बाद जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस मामले की पूरी रिपोर्ट है वो मुख्यालय तक पहुँचाई, और उसके बाद उस महिला को रिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि केन्या मूल की महिला को डिटेन किया गया है। एयरपोर्ट पर महिला जैसे ही पहुंची उसे डिटेन कर लिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि महिला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था और वो भारत में आ रही थी, लेकिन उसी दरमियान उसे एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। तो आपको बता दें, केन्या मूल की महिला बताई जा रही है, जिसे अब नजरबंद किया गया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ही महिला को रोक दिया गया है। तो केन्या मूल की महिला को नजरबंद किया गया है। दुबई से जयपुर पहुंची थी ये महिला। महिला के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर नोटिस। तो नोटिस के कारण महिला को नहीं मिला भारत में प्रवेश।